हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सिंह किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वेज सोया कीमा मटर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और बनाने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है आप वो सब घर पे आपके अवेलेबल हैं, आप उनको डाल के बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसको आप पाव के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो इस रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई यमी यमी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सोया कीमा बनाने के लिए हमें सोया चंक्स लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने 1 कप सोया चंक्स लिए हैं, इनको हमें सोक करना है हल्के गुनगुने पानी में। आप इनको सोक कर दीजिए आधा घंटा के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा तो भी चलेगा। इसको ढककर हम रख देते हैं आधा घंटे के लिए, फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चंक्स बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, आधा घंटा से ऊपर मैंने इनको सोक किया। और अब इन्हें ग्राइंड करना है। ग्राइंड हमें बहुत ज़्यादा फाइन पीस नहीं, फाइन नहीं करना है, बस ऐसे समझिएगा कि पीस जाना चाहिए, थोड़ा बड़े चंक्स भी रहेंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से मैं इसको पीस लिया है, बहुत महीन नहीं किया है क्योंकि हमें इसका कीमा बनाना है। तो कीमा का टेस्ट तभी आएगा जब हम इसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखेंगे। अब इसमें मैरिनेशन करना है। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 TSP सॉल्ट डाला है इसमें। ये देखिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। ये 1 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आप गरम मसाला डाल सकते हैं, यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम ये मिक्स करेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा इसलिए 2, ये खाने वाली जो चम्मच है ना इससे 2 चम्मच हमें डालना है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/2 कप कर्ड, इसको हम मिक्स करेंगे, मैरिनेट करने के लिए रखना है हमें। बस ध्यान रखिएगा कर्ड आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश कर्ड यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें आधा घंटा के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। ये 2 मीडियम साइज के ओनियन बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ये मैंने चिली है इनको पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, और लहसुन है कुछ 4-5 कलियाँ, और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के। मीडियम साइज़ के टमाटर, अदरक और लहसुन का हमें एक पेस्ट बनाना है, फाइन पेस्ट बना के बिल्कुल रेडी कर लें। अब हम एक पैन रखेंगे गरम करने के लिए, और इसको आप ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन मैं आज घी में बनाऊंगी, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 2 चम्मच घी लेंगे इसमें, अगर तेल में बना रहे हैं तो तेल भी आप इतना ही लें। अब ये छोटी स्पून से 1/2 टीस्पून हमें जीरा डालना है, और थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग बहुत थोड़ी डालनी है ये। अब बारीक चॉप ऑनियन इसमें ऐड करेंगे, ऑनियन को हमें ब्राउन करना है, लेकिन हाँ मीडियम फ्लेम पर, ये ध्यान रखिए बहुत हाई फ्लेम पे ना करें नहीं तो बहुत जल्दी जल जाएगा ऑनियन। मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करें, और जब आपको लगे कि इसका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है उस टाइम पर आप कंटिन्यू इसको चला सकते हैं तभी, नहीं तो फिर ये ज़्यादा जल जाएगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे छोड़ के इसको पका सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको रोस्ट करना है, लेकिन अभी और भी कलर हमें डार्क करना है क्योंकि इसमें नॉनवेज का फ्लेवर लाना है। थोड़ा सा बनाएंगे हम वेज, लेकिन तरीका हमारा नॉनवेज बनाने के जैसा रहेगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ये 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, कलर इससे बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। और 1/2 छोटी स्पून हल्दी पाउडर, और जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है इस टाइम पर इसको भी ऐड कर देंगे। और ये 1/2 कप मटर डाल रहे हैं, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जो मैंने प्यूरी बनाई है इसमें अदरक लहसुन मैंने डाला है, आपको पहले बताया था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसको इस तरह चला कर हम पकाएंगे, इसको 3-4 मिनट स्टर कर लें, और अच्छा सा इसका जो टेस्ट आना है उसके लिए हमें 5 से 6 मिनट इसको भूनना है। लेट लगा दें तो और जल्दी ये पक जाएगा। थोड़ा सा ओपन करते हैं, 2 मिनट हो गया है, और इसको इस तरह चला लें बीच में। और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा क्योंकि मसाले जितना स्लो फ्लेम में हम भूनते हैं ना उतना ही टेस्ट उसका बढ़ता है। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है हमें।
देखिए 5 से 6 मिनट हो गया है और मसाले ने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसमें ये रेड चिली पाउडर डालेंगे और सॉल्ट इसी टाइम पर डाल देंगे। हाफ छोटी स्पून सॉल्ट डालेंगे क्योंकि जो हमने कीमा बनाया है उसमें भी हमने सॉल्ट मिक्स किया है। और कीमा का मैरिनेशन टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको भी हम ऐड करेंगे। बस अब बनने वाला ही है, रेडी होने वाला है हमारा सोया कीमा। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें दही पड़ा हुआ है इसलिए आप इसको चलाते हुए 1 या 2 मिनट अच्छे से पकाएं। इसमें जो हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी उसी जार में मैंने थोड़ा पानी लिया 1/2 कप के लगभग और इसको भी डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं लगती है, बस थोड़ा सा ही ग्रेवी रखना है। अब इसको ढककर हमें 4 से 5 मिनट फिर पकाना है। 7 से 8 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। कितना अच्छा कलर आ रहा है, वाओ, और महक भी बहुत अच्छी आ रही है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा तब आपको पता चले कितना यमी बना है ये। सेम प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा बनाकर। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट यूं ही रखा रहने देंगे। कीमा बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें जो हमने लच्छे काट के रखे थे अदरक के और मिर्च के वो डालेंगे और ग्रीन कोरिएंडर डाल के इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी आप इसको सर्व करें जिसके साथ घी या बटर ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इससे। ये देखिए मैंने प्लेट इसमें बाउल में डाल लिया है और ये मैंने 1 स्पून घी लिया, इसको थोड़ा सा गर्म किया है। इसमें वही अदरक के लच्छे हैं और इसको हम डाल देंगे इसी के ऊपर। वाओ, क्या कलर आता है और महक बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा ऑनियन के साथ गार्निशिंग किया, ग्रीन कोरिएंडर डालिए और जैसे आपका मन करे वैसे आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। टेस्ट तो बहुत ही यमी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसको आप पाव के साथ, रुमाली रोटी के साथ या पराठे के साथ, लच्छे पराठे के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगने वाला है।